हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का स्टूडेंट जो मेरा टॉपिक है वो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल को डिस्कस करना है। आज तो मेरा जो टॉपिक है आज रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको मैंने डिस्कस कराया था कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ओवरऑल 9 in number, और इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी। दैट ट्रिक इज कल पी के कौन मांगे से। ये 9 एलिमेंट्स हैं, कल कैल्शियम, पी के पी बोले तो फास्फोरस, के पोटेशियम, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड सल्फर। क्लियर। अब इन सभी 9 एलिमेंट्स में जो 3 एलिमेंट हैं इनका जो सोर्स है, मीन्स दे आर प्रोवाइडेड बाय द CO2 एंड वाटर। सो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन 3 एलिमेंट्स को हम नॉन मिनरल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर प्रोवाइडेड बाय CO2 एंड वाटर। बाकी ये मिनरल एलिमेंट्स हैं बिकॉज दे ऑब्टेंड फ्रॉम द सॉयल, मीन्स इनको प्लांट सॉइल से ऑब्टेंड करते हैं। और ओवरऑल इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो वर्क है, दे रेगुलेट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। इसके साथ साथ ये काफ़ी को एंजाइम्स भी फॉर्म करते हैं, और एंजाइम्स के भी एक्टिवेटर हैं, कई एंजाइम्स को ये एक्टिवेट भी करते हैं। क्लियर। इनको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो ओवरऑल सभी जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स। क्लियर। यहाँ मुझे डिस्कस करना है वन बाय वन। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करता हूँ। क्लियर। तो नाइट्रोजन को डिस्कस करें तो नाइट्रोजन एक वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और इस नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं 3 फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। फर्स्ट नाइट्राइट आयन की फॉर्म में, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में एंड अमोनियम आयन की फॉर्म में। ठीक है, तो 3 एब्जॉर्बेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की। इवन आप देखते हैं कि मेनली जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म आप अच्छे से स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन सॉइल के अंदर अवेलेबल नहीं है, और इसका जो सोर्स है वो एटमॉस्फेयर है। गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म स्टडी किया जाता है। क्लियर। नेचर ने इस नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए वेरियस बायोटिक एजेंसी को लगा दिया है, और ये बायोटिक एजेंसियों के थ्रू भी ये नाइट्रोजन फिक्स होता है इस अर्थ पर। क्लियर। क्योंकि इस अर्थ पर सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है। क्लियर। ठीक है, तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट नाइट्राइट आयन की फॉर्म में, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में और अमोनियम आयन की फॉर्म में। और इस नाइट्रोजन के फंक्शन की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अब जो अमीनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नाइट्रोजन, सो इट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटीन, बिकॉज अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। इसके साथ साथ नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस बेस का भी कंपोनेंट है, क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, विटामिन्स का कंपोनेंट है, हार्मोन्स का कंपोनेंट है, एंड इट इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA एंड RNA। तो फंक्शन में हम बात कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के जो फंक्शन हो सकते हैं, सबसे पहला तो आप ये लिख सकते हैं कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड्स में क्या है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही मिलते हैं, एंड अमीनो ग्रुप हैविंग द नाइट्रोजन।
क्लियर। तो अमीनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और अमीनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। क्लियर। इट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस, नाम से ही आप समझ रहे हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस। और नाइट्रोजीनस बेसिस में आप पढ़ते हैं प्यूरीन्स बेसिस एंड पिरिमिडीन बेसिस। प्यूरीन्स बेसिस में आपके आ जाते हैं एडनीन, ग्वानीन, और पिरिमिडीन बेसिस में थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आ जाते हैं। इसके बाद में नाइट्रोजन इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नाइट्रोजन। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात करें हम, दैट इज द क्लोरोफिल ए, यूनिवर्सल क्लोरोफिल। क्लियर। तो क्लोरोफिल का मैंने आपको बताया था C55H72O5N4Mg। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी इसेंशियल एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और मैग्नीशियम भी है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। क्लियर। इसके बाद में विटामिन्स के अंदर भी क्या है, नाइट्रोजन मिलता है। विटामिन्स के अलावा हार्मोन्स में भी नाइट्रोजन मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। इसके बाद में न्यूक्लिक एसिड्स में भी, क्योंकि नाइट्रोजिनस बेसिस में है तो डेफिनेटली न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन रहेगा। और न्यूक्लिक एसिड का मीनिंग होता है एसिड ऑफ द न्यूक्लियस, और इनकी हम बात करते हैं दैट इज द डीएनए एंड आरएनए। क्लियर। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का डिस्कस हो जाता है। अब नेक्स्ट यदि मैं बात करूं दूसरा एसेंशियल एलिमेंट, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट में फास्फोरस को ले लेता हूं। इवन मैं यहाँ पर एनपीके को ले रहा हूं, और एनपीके को मैंने बताया था कि ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट ये क्या हैं, इनको क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी सॉइल के अंदर बनी रहती है। क्लियर। तो इनको क्रिटिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। एन पी एंड के मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और तीनों ही एलिमेंट ये क्या हैं, क्रिटिकल एलिमेंट हैं, इनकी डेफिशिएंसी सॉइल में लगातार बनी रहती है। ठीक है। इसके बाद में फास्फोरस की मैं बात करता हूँ। फास्फोरस को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं आयन की फॉर्म में, मीन्स हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है, एक डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है। ठीक है। तो प्लांट्स यहां पर यदि मैं फास्फोरस की बात करूं, तो फास्फोरस को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं टू फॉर्म में, एक हाइड्रोजन मोनोफॉस्फेट और एक डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है। HPO4 2- और H2PO4 1-। ठीक है। एक हाइड्रोजन फॉस्फेट है और एक डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है, तो इनकी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। अब फंक्शन की बात करें हम फॉस्फोरस के, तो एक्चुअली में फॉस्फोरस इट इज द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, न्यूक्लियोटाइड का ये कंपोनेंट है। ठीक है। कुछ प्रोटीन्स का कंपोनेंट है। तो फॉस्फोरस के बारे में हम फंक्शन में लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है ये, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कंपोनेंट ऑफ सम प्रोटीन्स, कंपोनेंट ऑफ सम प्रोटीन्स। अब यहाँ पे सम प्रोटीन की हम बात करें, ठीक है, तो स्पेशली कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन का कंपोनेंट हो सकता है फास्फोरस, होता है। और इसमें यदि मैं बात करूँ आपसे, तो एक्चुअली में कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स हैविंग प्रोटीन्स विद फास्फोरस एंड सम अदर कंपाउंड्स। क्लियर। इसके बाद में फोर्थ में फंक्शन की बात करूं, तो फोर्थ फंक्शन यहां पे ये हो सकता है कि कंपोनेंट ऑफ एनर्जी कंपाउंड्स। ठीक है। एनर्जी कंपाउंड्स का कंपोनेंट है ये, कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी कंपाउंड्स लाइक दैट
एटीपी, क्लियर। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप देख रहे हैं कि फास्फोरस इसमें आ रहा है, क्लियर। इसके बाद में ये ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ सम को एंजाइम्स, क्लियर। को एंजाइम्स का कंपोनेंट भी है फास्फोरस, ठीक है। और को एंजाइम ये एंजाइम के हेल्पर होते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, और मेन जो को एंजाइम्स हैं इनको फॉर्म करते हैं विटामिन्स, ठीक है। तो विटामिन्स का मेन फंक्शन क्या है कि दे सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द को एंजाइम्स, ठीक है। तो ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ को एंजाइम्स, को एंजाइम्स में आप देख सकते हैं एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एफएडी, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, क्लियर। तो ये सभी क्या है कोएंजाइम में, एफएमएन, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और इन कोएंजाइम्स का फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में बहुत जबरदस्त रोल होता है। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन और है यहाँ फॉस्फोरस का, कि जितने भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होते हैं सभी में रिक्वायर्ड होता है फॉस्फोरस, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इन ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन आप लिख सकते हैं कि जो फॉस्फोरस है रिक्वायर्ड इन फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। और फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या है कि फॉस्फेट का एडिशन, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन, क्लियर। और बायोलॉजी के अंदर हम थ्री टाइप के फॉस्फोराइलेशन स्टडी करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट करते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम मेटाबोलाइट्स, क्लियर। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में आप देखते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिलता है। इसमें डायरेक्ट सिंथेसिस होती है एटीपी की मेटाबोलाइट से, क्लियर। दूसरा है, दूसरा फॉस्फोराइलेशन है फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग होता है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, दैट इज कॉल्ड एज फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। और ये जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जब आप स्टडी करते हैं तो लाइट रिएक्शन वहाँ पे आप पढ़ते हैं, और लाइट रिएक्शन का मीनिंग ही क्या है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। और इसको दो कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, एक साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और एक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। और थर्ड जो टाइप का फॉस्फोराइलेशन है दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। थर्ड जो टाइप का फॉस्फोराइलेशन है दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आप ओवरऑल फॉस्फोरस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये एलिमेंट है, क्लियर। थर्ड यदि मैं बात करूं तो पोटेशियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पोटेशियम, क्लियर। पोटेशियम को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं इसकी आयनिक फॉर्म में, और इसकी जो आयनिक फॉर्म है दैट इज के प्लस, क्लियर। और ये भी एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है पोटेशियम। इसके भी आप फंक्शन देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा पोटेशियम के बारे में भी। तो थर्ड जो यहाँ पे मिनरल आ जाता है दैट इज द पोटेशियम। पोटेशियम का जो सिंबल है दैट इज द के, और प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं ऑलवेज के प्लस फॉर्म में, क्लियर। इसके बाद में इसके फंक्शन की बात करें हम तो जो पोटेशियम है रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटीज, मोर क्वांटिटीज फॉर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, फॉर बर्ड्स, फॉर लीव्स एंड रूट टिप्स,
ठीक है, ये मीन्स प्लांट में जहां भी मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी है उसके लिए पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल होता है, इज इट क्लियर? दूसरा आप फंक्शन आप पोटेशियम का ये दे सकते हैं कि मेंटेन कैटाइन एनाइन बैलेंस, ठीक है? तो फंक्शन में हम फर्स्ट फंक्शन क्या देख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको बताया था कि रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी फॉर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। दूसरा है, दूसरा फंक्शन ले सकते हैं कि मेंटेन मेंटेन कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन बैलेंस, कैटाइन एनाइन एनाइन बैलेंस को क्या है, मेंटेन करता है। थर्ड फंक्शन हम इसका ये लिख सकते हैं, एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स, मीन्स एक्टिवेटर ऑफ मैनी एंजाइम्स, एक्टिवेटर्स ऑफ मैनी एंजाइम्स, ठीक है? जितने भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है उनके एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है। और फोर्थ में यहाँ पे बात करूं, फोर्थ फंक्शन हम लिख सकते हैं इसका कि इन्वॉल्व इन अ फोटोसिंथेसिस, ठीक है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस बोले तो ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन इसको बोला जाता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। पोटेशियम ऑल्सो हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, क्लियर? ऑल्सो हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में ये काफ़ी हेल्प करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और इसका मैंने आपको पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थ्योरी के बारे में डिस्कस कराया था, और इसका मैंने फंडा ये बताया था आपको कि इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन एंड इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्लियर? इस थ्योरी का यही कंसेप्ट मैंने बताया था। इसके बाद में और पोटेशियम आयन क्या करता है कि मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल, सेल की टर्जिडिटी को भी क्या है ये, मेंटेन करता है, ठीक है? मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल, टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ठीक है? इज इट क्लियर? क्योंकि ये मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये एक्चुअली में जो एसेंशियल एलिमेंट हैं, एसेंशियल एलिमेंट हैं, ये चेंज करते हैं सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल को अल्टर कर देते हैं सेल की। तो फिर सॉल्यूट पोटेंशियल जब अल्टर हो जाता है तो फिर क्या है कि एंडोस्मोसिस और एक्जोस्मोसिस इजिली परफॉर्म हो जाती है, इसी से टर्जिडिटी क्या है, मैनेज हो जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आयन की बात करें हम, नेक्स्ट आयन फोर्थ नंबर का हम ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम को ले लेते हैं नंबर फोर पर, ठीक है? तो ये तीनों इसेंशियल एलिमेंट आप समझ गए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और तीनों को क्रिटिकल एलिमेंट बोला जाता है। इज इट क्लियर? फोर्थ यहाँ पे बात करें हम, कैल्शियम को ले लीजिए, कैल्शियम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या इसेंशियल एलिमेंट है जो प्लांट्स की ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंड विदाउट इट प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है? कैल्शियम को भी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम आयन की फॉर्म में, ठीक है? तो फोर्थ यहाँ पे एलिमेंट आप ले सकते हैं, फोर्थ नंबर का एलिमेंट ले सकते हैं कैल्शियम। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम आयन की फॉर्म में, ठीक है? और कैल्शियम के बारे में डिस्कस किया जाए स्टूडेंट, क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो कैल्शियम के फंक्शन हो सकते हैं कि रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज, ठीक है? रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज, क्लियर?
नेक्स्ट फंक्शन कैल्शियम का हम ये ले ले सकते हैं कि इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, पार्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। और कैल्शियम पैक्टेट मिडिल लैमेला के अंदर होता है, ठीक है। तो सेल वॉल सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन द सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। और ये मैंने डिस्कस किया आपको, सेल वॉल सिंथेसिस पार्टिकुलरली एज ए कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडिल लैमेला, ठीक है। और मिडिल लैमेला आपको पता है सीमेंटिंग लेयर है जो टू एडजेसेंट प्लांट सेल को क्या है, कनेक्ट करती है, क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन हम कैल्शियम का ये ले ले सकते हैं कि हेल्प इन द सेल एलोंगेशन एंड स्पिंडल फॉर्मेशन, क्लियर। तो नेक्स्ट फंक्शन हम ले सकते हैं कि हेल्प्स इन द सेल एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन में भी हेल्प करता है, एंड स्पिंडल फॉर्मेशन, एंड स्पिंडल फॉर्मेशन, क्लियर। और स्पिंडल का रोल आप जानते हैं कि सेल डिवीजन में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन हम ये ले सकते हैं कि एकुमुलेट इन ओल्डर लीव्स, ठीक है। कहाँ एकुमुलेट हो जाता है, एकुमुलेट इन ओल्डर लीव्स। अब ओल्डर लीव्स में ये एकुमुलेट हो जाता है क्योंकि ये मोबिलाइज नहीं करता है, क्योंकि प्लांट के स्ट्रक्चर का ये कंपोनेंट है, टाइटली बाइंड अप होता है और मोबिलिटी ये शो नहीं करता है, तो इमोबाइल एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, इमोबाइल एलिमेंट है, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट हम फंक्शन ले सकते हैं कि इन्वॉल्व इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इज इट क्लियर। नेक्स्ट इसका फंक्शन ले सकते हैं कि जो कैल्शियम है इट ऑल्सो एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। कुछ एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स, और सर्टेन एंजाइम्स की मैं यहाँ पे बात करूं तो वो आप देख सकते हैं, एमाइलेज को ये एक्टिवेट करता है। और एमाइलेज आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, एटीपीएज को ये एक्टिवेट करता है, एंड एटीपीएज, और एटीपीएज जो एंजाइम है ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एटीपीएज एंजाइम फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में क्या है, पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से इसके फंक्शन हो जाते हैं कैल्शियम के। अब फिफ्थ जो एलिमेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। तो इन फंक्शन को आपको बिल्कुल मेमोराइज करना है, और यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कि रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से आपको कम से कम एक क्वेश्चन बहुत इजीली यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको नीट 2020 में। मैग्नीशियम की मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं इसकी आयनिक फॉर्म में, दैट इज Mg2+, ठीक है। और फंक्शन में मैं आ जाऊं तो फंक्शन में मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि जो मैग्नीशियम आयन है एक्टिवेटर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट जो फिफ्थ एलिमेंट यहाँ पे मैं ले रहा हूं, मैग्नीशियम, ठीक है, इसको प्लांट मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके फंक्शन की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा फंक्शन तो इसका यही हम ले सकते हैं कि एक्टिवेटर ऑफ मैनी एंजाइम्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो मैग्नीशियम है ये एक्टिवेट करता है किसको, रोविस्को को एक्टिवेट करता है, और रोविस्को का मतलब होता है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज ऑक्सीजनेज। दूसरा एंजाइम है पैपको, पैपको को भी क्या है ये स्टिमुलेट करता है,
एक्टिव करता है, और फॉस्फोइनॉल पाइरवेट कार्बोक्सिलेज, थर्ड ये थर्ड हेक्सोकाइनेज जो ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट रिएक्शन का फर्स्ट एंजाइम है, और लास्ट में पीपी काइनेज इसको भी ये एक्टिव करता है। और पीपी काइनेज आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट स्टेप का एंजाइम है ये, ठीक है? लास्ट स्टेप का क्या है? एंजाइम है। दूसरा हम रोल क्या देख सकते हैं मैग्नीशियम का, कि ज्वाइनिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, ठीक है? दूसरा किसमें हेल्प करेगा ये, कि ज्वाइनिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इज इट क्लियर? थर्ड इसका फंक्शन हम ले सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर? क्लोरोफिल का क्या है? ये कंपोनेंट है, अभी मैंने डिस्कस किया था, कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है? और वहां पर ये सेंट्रल एटम है मैग्नीशियम, ठीक है? इसके बाद में ऑल्सो और क्या फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है? सिंथेसिस एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी में भी ये हेल्प करता है, ठीक है? सिंथेसिस एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, ठीक है? इसमें भी ये मदद करता है। तो ये मैग्नीशियम के बारे में आप समझ सकते हैं। इसके बाद में सिक्स, यदि एलिमेंट की बात करूं मैं, तो सिक्स आप सल्फर ले सकते हैं, ठीक है? सिक्स आप क्या है, सल्फर को देख सकते हैं। क्लियर? जो सिक्स एलिमेंट है दैट इज द सल्फर। सल्फर को प्लांट सल्फेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। सल्फर को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन्स। और सल्फर भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, माने एसेंशियल है ही है, ठीक है? तो सल्फर कंपोनेंट है अमीनो एसिड्स का। पहला फंक्शन लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स, कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। और सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड हैं वो दो अमीनो एसिड हैं, एक सिस्टीन है और एक मिथियोनीन है। तो सिस्टीन और मिथियोनीन का कंपोनेंट है सल्फर, तो इनको हम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स बोलते हैं। दूसरा फंक्शन हम लिख सकते हैं कि जो सल्फर है इट इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ थाइमीन। थाइमीन बोले तो THIAMINE, ठीक है? मीन्स विटामिन B1 को थाइमिन बोलते हैं। इसके बाद में विटामिन B7 का भी कंपोनेंट है जिसको बायोटीन बोलते हैं, और लाइपोइक एसिड का भी कंपोनेंट है सल्फर, ठीक है? तो सेकेंड हम फंक्शन लिख सकते हैं कि सल्फर सल्फर इज द कंपोनेंट ऑफ विटामिन B1, और विटामिन B1 बोले तो थाइमीन, ठीक है? और एक थाइमीन क्या है, नाइट्रोजीनस बेसिस है, पिरिमिडीन है थाइमीन, लेकिन वहां पे THYMINE आता है, यहाँ THIAMINE आता है। विटामिन B1 को थाइमीन बोलते हैं। दूसरा ये कंपोनेंट है बायोटीन का, बायोटीन, ठीक है? इसको विटामिन B7 जनरली हम बोलते हैं, बायोटीन को विटामिन B7 इसको बोलते हैं। और थर्ड ये कंपोनेंट है लाइपोइक एसिड का, थर्ड कंपोनेंट है लाइपोइक एसिड का। इस तरीके से ये सल्फर के फंक्शन हो जाते हैं। और ये किसका कंपोनेंट है? हाँ, कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है ये, और फेरिडॉक्सिन का भी कंपोनेंट है, ठीक है? तो सल्फर इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ सल्फर इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ को एंजाइम ए एंड फेरिडॉक्सिन। और फेरिडॉक्सिन आप जानते हैं कि ये आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये
रोल प्ले करते हैं डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। इस तरीके से आपके ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, क्लियर। बाकी मैंने आपको डिस्कस करा दिया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों क्या हैं, नॉन मिनरल एलिमेंट इनको बोला जाता है, और इनके जो सोर्स हैं वो CO2 एंड वाटर, ठीक है। तो नॉन मिनरल एलिमेंट हैं। बाकी जो सिक्स मिनरल हैं, सिक्स इसेंशियल एलिमेंट हैं जिनको प्लांट सॉइल से सीधा एब्जॉर्ब करते हैं, इनको मिनरल एलिमेंट बोला जाता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिस्कशन हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल बताना है, क्लियर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको एट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करा रखा है, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें स्टूडेंट। और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।